दोस्तों अभी भी मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट खोला हूँ, तो लिंक्डइन अकाउंट पे आप देख पा रहे हैं कि एक वीडियो है जिसमें एक फॉर्म है, और जैसे ही वो पासवर्ड डालता है यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो सबमिट करने जाता है तो स्वैप हो जा रहा है। सबमिट बटन क्या हो जा रहा है? स्वैप हो जा रहा है। जब वो पासवर्ड सही डाल रहा है तब उस पर क्लिक कर पा रहा है। तो क्या ऐसा वीवीए के यूजर फॉर्म में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं ये चीज़ ही आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो चलिए, जो प्रॉब्लम हमने आपके साथ डिस्कस किया है वही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, और यहाँ इंसर्ट करके एक यूजर फॉर्म ले लेते हैं। यूजर फॉर्म लेने के बाद यहाँ देखिए, यूजर फॉर्म टू आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कैप्शन, इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर कैप्शन पे जाके मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। क्या कर दिया? लॉग इन। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे हम दे देते हैं यूजर। हम क्या दे देते हैं? यूजर, यहाँ पे यूजर। और इसके बाद यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसको ड्रैग करते हैं, और यहाँ हम इसको डाल देते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे हम दो कमांड बटन बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, दो कमांड बटन। एक यहाँ बनाते हैं जिसमें हम लिख देते हैं लॉगिन, लॉग इन, और फिर इसको एक और बटन यहां बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ऑल्सो लॉग। और दोनों का कलर जो है ना, हम ब्लू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू। तो यहाँ आपके सामने फोर कलर है, फॉन्ट है, बैकग्राउंड स्टार, बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देते हैं ब्लू। और यहाँ इसकी फोर, इसको भी कलर कर देते हैं ब्लू। या कलर जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब मैं इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ क्लिक, जो क्लिक आ रहा है, इस क्लिक के जगह हमने यूज किया है माउस मूव। हमने क्या सेलेक्ट किया? माउस मूव। और यहाँ देते हैं, यहाँ हम कोड देंगे कि इफ मी डॉट कमांड वर्ड, यूजर फॉर्म आप कीजिएगा मी डॉट टेक्स बॉक्स टू, क्योंकि पासवर्ड है, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, जो पासवर्ड हमने 1 2 कर दिया दैट। अब यहाँ पे मान लीजिए यूजर फॉर्म भी देना है, तो मैं यहाँ एंड कमांड डाल दूंगा, फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट कमांड बटन, अभी कौन सा 1 है, तो 1 जो है वो हो जाएगा विजुअल इक्वल टू फॉल्स, और मी डॉट कमांड बटन 2 में दूसरा जो है वो हो जाएगा विजुअल इक्वल टू ट्रू। और फिर यहाँ एल्स में हम इन दोनों को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इस बार जो है हम इसको कर देते हैं कि अगर मान लीजिए पासवर्ड सही हुआ तो ऑन विजुअल विजुअल इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, और 2 हो जाएगा हमारा फॉल्स। और मी डॉट कमांड बटन 1 डॉट बीजी कलर, बैक कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन, और यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। बीबी ब्लू ये कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, और जो 1 है उसको कर देता हूं 2, और जहां जहां 1 है वहां वहां हो जाएगा 2, और जहां जहां 2 है वहां हो जाएगा 1। सिंपल सा स्वैप कर देना है कि 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 1।
और कुछ खास नहीं करना है, सिंपल। अब मैं इस यूजर फॉर्म को यहाँ से, अब एक एक को जो कलर इसको है बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे एनेबल है, विजुअल आएगा यहाँ पे नीचे विजुअल फॉल्स, क्योंकि दो बटन दिखाना नहीं, एक टाइम एक ही दिखाना है, तो एक को हम फॉल्स कर देते ताकि बाहर विजुअल नहीं होगा। अब मैं इसको प्ले करते हैं, अब देखिए कर्सर गया, दिख रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अब पासवर्ड कुछ भी डालते हैं तो नहीं, देखिए जैसे ही पासवर्ड 1 2 डाल देते हैं आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इस पर क्लिक करने पे काम होगा, और जैसे ही पासवर्ड हम कुछ और डाल देते हैं ये भाग जाता है, ये क्लिक ही नहीं करने देगा, सिंपल। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अगर आपको वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखनी हो या आपको वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग कुछ प्रॉब्लम हो, डेमो क्लास लेना हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोन का हमेशा इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।